उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को हादसे के 10वें दिन एंडोस्कोपिक कैमरे से देखा गया। मंगलवार सुबह करीब 3:52 पर मजदूरों से बातचीत की गई। मजदूरों की गिनती हुई, सभी सुरक्षित हैं। सिलक्यारा टनल में कल बिछाई गई 6 इंच की खाद्य पाइपलाइन अब पूरी तरह काम कर रही है। लगभग 5 से 10 किलोग्राम विभिन्न फल जैसे सेब, संतरा, मौसमी आदि 5 दर्जन केले सफलतापूर्वक अंदर पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा दवा, नमक और इलेक्ट्रॉल के पैकेट भी भेजे गए हैं। अब पक्का हुआ खाने जैसा खिचड़ी, रोटी, सब्जी आदि भेजने की तैयारी है। उत्तरकाशी टनल हादसे में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि मंगलवार को पीएम मोदी ने फिर से फोन पर जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने को लेकर रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। विशेषज्ञों की निगरानी में 6 इंच के पाइप से मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है और दूसरी ओर पहली वीडियो भी मजदूरों की सामने आई है, जिसमें टनल में फंसे मजदूर भी सकुशल दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि अंदर जहां मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर्याप्त जगह है, राशन, दवा और अन्य जरूरी चीजें कंप्रेसर के जरिए मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। असल में जो कुछ कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो वहां पर जा चुका है और एक्सपर्ट्स पूरे देश से और मैंने बताया आपको दुनिया से वहां पर लाए हैं। कोई ऐसा साधन नहीं छोड़ा है जो अवेलेबल हो कहीं और जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभी भी जो है सबसे बेस्ट काम जो है वो हमारा ऑगर मशीन है। यदि ये सफल हुआ तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। उस काम को हमने दोबारा चालू करा दिया है क्योंकि ये ससेप्टिबल फेस था, तो इसलिए हमने बाहर के वर्कर्स की सुरक्षा का इंतजाम पहले किया पिछले 3-4 दिन में, क्योंकि हम जो सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं निकालने के लिए उनकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति रिपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए NHIDCL ने कहा कि सभी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ताकि मजदूरों को जल्द वो निकाल पाए। बॉटल में भेजने की बात थी, वो बॉटल नहीं अंदर जा पा रही थी, ऐसा सोच के हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो पहले जितने सूखे तरह की चीज हो सकती, पुलाव हो सकता है, जैसे सब्जी हो सकती, सूखी सब्जी और रोटी हम भेजने की अभी प्रक्रिया चालू कर। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों को कोऑर्डिनेट कर रहे उत्तराखंड के सचिव नीरज खैरवास ने कहा है कि जल्द ही अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। 24 घंटे सभी एजेंसी के द्वारा काम किया जा रहा है, तो सभी एजेंसी के काफी अच्छा सभी का समन्वय बना हुआ है। सभी एजेंसीज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई जगह ऐसी चीज आती है कि एक एजेंसी को काम करने के लिए दूसरी एजेंसी का काम कई बार होल्ड करवा करके आगे जाना कोई और करना पड़ता है, तो सभी एजेंसीज बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं। आपदा और राहत कार्य प्रगति पर है। ऑगर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन के लिए प्रोटेक्शन कैनोपी का निर्माण हो चुका है। 900 mm व्यास के बजाय अब 800 mm व्यास के पाइप डाले जा रहे हैं। उसके अंदर टेलीस्कोपिक मेथड से आगे बढ़ाया जा रहा है और 800 mm डाया के पाइप को अभी पुश करने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो पहले वाली पाइप लेंथ को क्रॉस करेगा, ऑगर मशीन भी उसको फिर ड्रिलिंग के काम में लगा ली जाएगी। अभियान को गति देने के लिए टनल के ऊपर BRO द्वारा सड़क निर्माण का कार्य भी हो रहा है, जो अंतिम चरण में है। सुरंग के ऊपर चिन्हित जगह पर ड्रिलिंग भी की जाएगी, जिसके लिए 2 मशीनें भी आ गई हैं। OP यादव की रिपोर्ट, DD News, उत्तरकाशी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज टेलीविजन चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है। वे उत्तराखंड के सिलक्यारा में चल रहे बचाव अभियान को सनसनीखेज बनाने से बचें और सुरंग स्थल जहां बचाव अभियान चल रहा है वहां करीब से कोई भी लाइव वीडियो पोस्ट न करें। ये सुनिश्चित करें कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा मानव जीवन बचाने की गतिविधि किसी भी तरह से ऑपरेशन स्थल के पास या आसपास कैमरामैन, पत्रकारों या उपकरणों की उपस्थिति से बाधित या परेशानी न हो। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हरेक